नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरफ से है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट फर्म्स को इन्वॉल्व करने के लिए जो नई पॉलिसी इशू किया गया है, उसको बढ़ावा देते हुए अभी डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को अब प्राइवेट फर्म्स के साथ शेयर किया जाने वाला है। डीआरडीओ के तरफ से पहले ही नाग मिसाइल और नाग मिसाइल कैरियर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ के एक सीनियर ऑफिसर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अभी नाग मिसाइल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया जा रहा है और जल्द से ही इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाने वाला है। नाग एक थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो कि 4 किलोमीटर तक मार कर सकता है। अगला अपडेट बोइंग सुपर हॉर्नेट की तरफ से है। अमेरिकन एरोस्पेस मेजर बोइंग अभी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के साथ अपनी F-18 सुपर हॉर्नेट जेट को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए बातचीत कर रहा है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपनी MMRCA-2 टेंडर के लिए RFI को इशू किया है, जिसके अंदर 110 मीडियम मल्टीरोल फाइटर्स खरीदे जाने वाले हैं। इस टेंडर को नजर में रखते हुए बोइंग अभी एक नए प्लान के साथ अप्रोच कर रहा है। बोइंग का कहना है कि वो इंडिया में एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी को खोलना चाहते हैं, जिसे इंडिया बाद में एमका प्रोजेक्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और बोइंग इसमें हमें मदद भी करने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि बोइंग अभी अपनी F-18E या फिर F-18F की ब्लॉक 3 वेरिएंट को इंडिया को ऑफर कर रहा है, और हो ना हो बोइंग अभी इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी की 57 कैरियर बोर्न फाइटर्स के टेंडर को भी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि पाकिस्तान अभी रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी तक किस एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए बातचीत हो रही है, ये अभी तक पता नहीं चल पाई है। पाकिस्तान ऑफिशियल के तरफ से कहा गया है कि वो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम से काफी इंप्रेस्ड है और उनको खरीदना चाहते हैं, और इसको लेके अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान अभी रशिया से SU-35 जेट्स को भी खरीदने की कोशिश कर रहा है, और अगर रशिया पाकिस्तान को SU-35 बेचने के लिए राजी हो जाता है तो आने वाले कुछ सालों में ये डील फाइनल हो सकता है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि वो रशियन T-90 टैंक्स में भी इंटरेस्टेड हैं और उनको खरीदना चाहते हैं। पाकिस्तान के द्वारा रिसेंटली अपनी सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल BABR-3 का टेस्ट करने के बाद इंडिया के लिए खतरा थोड़ा बढ़ गया है। BABR-3 की रेंज 450 किलोमीटर तक है और ये बोथ कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। BABR-3 मिसाइल को अभी पाकिस्तान के द्वारा अपनी खलीद क्लास के सबमरीन में फिट किया जाने वाला है, और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चाइना से 8 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी खरीदने वाला है, जो कि 2028 तक पाकिस्तान नेवी में शामिल होने वाले हैं। साथ ही पाकिस्तान अभी चाइना से टाइप 093 क्लास की न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी एक्वायर करने वाला है। इन सब को नजर में रखते हुए डिफेंस जानकारों का कहना है कि इंडिया को जल्द से जल्द अपनी सबमरीन फ्लीट को मजबूत बनाने की जरूरत है, और साथ ही अपनी सबमरीन के लिए AIP टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत है। अगला अपडेट MMRCA-2 टेंडर को लेके है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किए गए MMRCA-2 टेंडर को लेके अभी कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन आना शुरू हो गए हैं। हमारे फेवरेट राहुल गांधी जी ने मोदी गवर्नमेंट पर ये आरोप लगाया है कि दोबारा इशू की गई इस टेंडर में घोटाला किया जा रहा है, और मोदी गवर्नमेंट अपनी सहयोगी कंपनीज के फायदे के लिए इस टेंडर को दोबारा इशू कर रहा है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे निवेदन है कि इस बात को आप दिल पे मत लीजिएगा। अगला अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से है। सोर्सेज के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में कुछ गड़बड़ी आ गई है और अभी तक पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट हैक किया गया है, या फिर कुछ टेक्निकल इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है, या फिर जानबूझकर डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट को कुछ समय के लिए डाउन किया गया है। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि कुछ सिक्योरिटी अपग्रेड्स के लिए गवर्नमेंट साइट को कुछ समय के लिए डाउन किया गया है। तो दोस्तों,